अच्छी इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका है, अच्छे अच्छे वर्ड्स याद कर लो। जितने अच्छे वर्ड्स आपकी आपके माइंड में होंगे, आपके डिक्शनरी में होंगे, उतनी अच्छी इंग्लिश आप बोल पाओगे। जैसे एक शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा शब्द है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, जैसे धीरे धीरे। इसके ऊपर एक गाना भी है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, एक कोल्ड ड्रिंक और दो भटूरे की प्लेट ले आना, खा लेंगे दोनों, भूख लगी हुई। देखो ये तो खैर जोक सपाट। और हाँ, अपने इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और प्रेस द वो क्या बोलते हैं उसको, वो घंटा होता है ना, उसको भी दबा लो, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। और अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम जो एक ग्रुप है, लिंक है, मतलब जो हमारा चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो, सारी वीडियोस टाइम पर मिलेंगे आपको। चलो शुरू करते हैं भैया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है ना, कुछ पैसे भी ले आना। चलो देखो, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे से, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, धीरे धीरे से को इंग्लिश में बोलते हैं बाय एंड बाय। जैसे मैंने बोल दिया भैया, यू कैन बिकम मास्टर एट इंग्लिश बाय एंड बाय, धीरे धीरे से आप इंग्लिश में मास्टर बन पाएंगे। एकदम से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, एकदम से कुछ नहीं होता, एकदम से तो बस लड़कों को प्यार हो जाता है, वो जिसको देखते हैं उसी से हो जाता। चलो खैर ये तो दूसरी बात है, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। मैं फिर बता देता हूँ, यू कैन बिकम मास्टर एट इंग्लिश बाय एंड बाय, राइट, लाइक यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश बाय एंड बाय, यू विल बी एबल टू बिकम, यू कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय एंड बाय। भैया धीरे धीरे से, धीरे धीरे से सारी चीजें धीरे धीरे से बाय एंड बाय बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, मैं बता रहा हूँ तुम ही से कर रहा हूँ। तुम जो नोटबुक पेन भी नहीं लेके बैठे हो, वैसे ही बैठे हो कैमरे के सामने यार, वैसे वीडियो खोल के बैठ गए, ऐसे क्या मजा आएगा। एक नोटबुक पेन तो होनी चाहिए ना। देखो एक होता सी चेंज, बहुत बड़ा बदलाव। सी चेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव। जैसे जो नए नए जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है उनके होते हैं नए नए शौक, मतलब कोई शब्द ना बोला हो ना भाई साहब ने, वो शायरी तक गाना शुरू कर देता है। ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो एक शब्द नहीं बोलते हैं, नई नई रिलेशनशिप में आए, बहुत बड़ा बदलाव उनके अंदर आ जाता है। तो बहुत बड़े बदलाव को बोलते हैं सी चेंज। क्या बोलते हैं? सी चेंज बोलते हैं। सी चेंज का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा बदलाव। जैसे कीप लर्निंग, सीखते रहो, यू विल सी अ सी चेंज इन योर इंग्लिश। बस सीखते रहो, इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बड़ी जल्दी। कितनी जल्दी? हो चलो इमोशनल, मैं कई बार ना इमोशनल हो जाता हूँ, तो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहा हूं मैं। तुम भी कंट्रोल करो इमोशंस को, अदरवाइज तुम्हारे इमोशंस को कोई और कंट्रोल कर लेगा। और जब तुम्हारे इमोशंस को कोई और कंट्रोल करेगा ना, तो वो इंसान तुम्हें एक बार अच्छा लगेगा, फिर तो पता ही तुम्हें क्या क्या होता है। चलो तो भैया सी चेंज को बोलते हैं बहुत बड़ा बदलाव। तो मैंने कहा कीप लर्निंग यू विल सी अ सी चेंज इन योर इंग्लिश। तो सी चेंज का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा बदलाव। वेरी गुड, क्या बात है, बड़े समझदार बच्चे हो, बड़े समझदार इंसान हो यार आप तो। चलो एंड नॉट टू वाइज, देखो मैंने कहा ना बड़े समझदार इंसान हो आप, तो भैया बड़े समझदार इंसान हो आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अनॉट टू वाइज। जैसे मैंने कहा अनॉट टू वाइज, समझदार को समझदार को इशारा ही काफी है, कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनॉट टू वाइज। जैसे भैया अनॉट टू वाइज, शी डजंट लाइक यू ब्रदर, वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। तुम बेशक से उसकी डीपी को कितना ही लाइक करते रहो, तुम इसकी प्रोफाइल पर जाके सारी के नीचे कमेंट करते रहो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गॉर्जियस, शी डजंट लाइक यू अनॉट टू वाइज ब्रदर। भैया समझदार को इशारा ही काफी है, इंग्लिश में बोलते हैं अनॉट टू वाइज। समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें समझ में आएंगी तुम्हें, तुम इंग्लिश सीख जाओगे मैं कह रहा हूं। अब हमारे पास एक नया वर्ड है, वो है दुखती रग। लोग हमेशा आपकी दुखती रग को दबाते हैं, तो दुखती रग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दुखती रग को इंग्लिश में बोलते हैं सोर पॉइंट। जैसे मैंने बोला ही टच्ड हर सोर पॉइंट, उसने उसकी दुखती रग दबा दी। दुखती रग का मतलब होता है कोई ऐसी बात बोल देना, कोई ऐसी बात बोल देना जो आपको चुभ जाए, उसको बोलते हैं सोर पॉइंट। क्या बोलते हैं? सोर पॉइंट बोलते हैं। और ध्यान रखना, ये दुनिया ना हमेशा आपकी दुखती रगों को दबाएगी, ये दुनिया हमेशा आपकी दुखती रगों को दबाएगी। सो भैया सब दुखों की एक ही दवाई, हंसना सीख लो मेरे भाई, अदरवाइज दुनिया क्या करेगी, सोर पॉइंट को टच करती रहेगी बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं लेके आऊँ। देखो टेक टू फिल, फुल खाना। जैसे कई बार मैंने देखा ना जो रेडी पे होते हैं ना गोलगप्पे खाने के लिए, और आपको पता है रेडी पे गोलगप्पे आपको ही पसंद होंगे, खैर मुझे तो खैर कम मतलब नहीं पसंद है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं रेडी वाले के पास खड़ी हो जाती हैं, गोलगप्पे खाती रहती हैं, इतना इतना खाती हैं भाई साहब, उनको कितने ही गोलगप्पे दे लो,
और ये जो रेडी वाले होते हैं ना, ये गोलगप्पे वाले, ये लड़के जब खड़े हो ना, बड़ा गिन गिन के रखते हैं, 1 2 3 4, और जब ये लड़कियां खाए ना, अरे मैम कोई बात नहीं है, 1 2 गोलगप्पा इधर उधर हो जाएगा तो क्या समस्या हो जाएगी। लड़के खाए तब साला पानी नहीं डालते हैं लोग, मैंने देखा है, मैं मना कर दिया एक बार उसने पानी डालने से। देखो पानी मतलब वो गोलगप्पे पानी करो, मैं कहीं और कुछ पानी समझता हूँ। देखो टेक टू फिल का मतलब होता है खाना, फुल खाना खाना भैया, पेट भर भर के। जैसे मैंने कहा आई ऑलवेज टेक मिल्क टू फिल, पीना भी होता है इसका मतलब, कहीं खाना था वो। आई ऑलवेज टेक मिल्क टू फिल मतलब हमेशा मैं दूध पीता हूँ भैया, छक्के फुल दूध पीता हूँ। तो भैया टेक टू फिल का मतलब क्या होता है, टेक टू फिल का मतलब होता है वो, बता जल्दी बता, तू बता जल्दी बता मेरे भाई, क्या होता है टेक टू फिल का मतलब? टेक टू फिल का मतलब होता है फुल खाना खाना, छक्के खाना खाना, क्या होता है? छक्के खाना खाना। चलो ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। जैसे मैंने कहा ऑल इन ऑल शी इज वेरी ब्यूटीफुल, भैया कुल मिला के बहुत अच्छी लड़की है। चलो अब तुम्हारे लिए नहीं था ये, तो बस सेंटेंस बना रहा। देखो ऑल इन ऑल शी इज वेरी ब्यूटीफुल, भैया कुल मिला के बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, तुम शादी कर सकते हो। चलो देखिए ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर होता है। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो ये लड़कियाँ सॉरी जो ये रिश्तेदार होते हैं ना हमारे, इन रिश्तेदारों को ना एक बात बोल दो कि मेरे रिश्तेदारों जितनी तुम मेरे लिए कमियां ढूंढ रहे हो ना, उतनी उतना अगर तुम ध्यान मेरे लिए लड़की ढूंढने पे लगा दो तो मेरा घर भर जाए। अपने रिश्तेदारों को शेयर कर देना इस वीडियो को। तो भैया देखो ध्यान, कुल मिलाकर मतलब क्या होता है? ऑल इन ऑल, जैसे शी इज ऑल इन ऑल शी इज वेरी ब्यूटीफुल, कुल मिला के मेरे भाई वो बड़ी ब्यूटीफुल है। क्या आपको ये सारे समझ में आ रहे हैं? वेल एंड हो गया, अब क्या करें भाई, अब और आगे तो नहीं है। तो अभी अपनी इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो मेरे को जरूर बताना, सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें, फिर मिलते हैं। चलो।